बोईकुंडा गंगामा के लिए जो न्यूरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पाकला। पाकला रेलवे स्टेशन से आप उतर के जब एग्जिट की तरफ आप जाएंगे तो आपको 5 मिनट का रास्ता है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, नहीं तो आप उधर खड़े हो जाएंगे तो आपको बस मिल जाएगा। ये है चौड़ेपाली स्टॉपेज। आप पाकला से इधर तक आएंगे तो आपको 1.5 घंटा टाइम लगेगा और 60 रुपये लेते हैं। चौड़ेपाली से आपको हर आधे घंटे में एक एक बस मिल जाएगा डायरेक्ट बैकुंडा गंगा माँ के लिए, वो 20-30 रुपये लेते हैं। आपको अंदर आके लाके वो छोड़ देंगे। इधर शाम 7 के बाद इधर गाड़ी नहीं मिलेगा। अगर किधर भी आप जाना चाहते हैं तो 7 बजे पहले आपको निकलना है। अगर आप रुकना चाहें तो इधर पास लॉज भी है, होटल भी है। हर होटल में आपको मटन मिलेगा, चिकन मटन इधर ज़्यादा होता है। मिनिमम आपको हर होटल में मटन मिल जाएगा। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। अगर आपको फ्री नहीं लग रहा है तो आप हाथ में चप्पल लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि अंदर मूर्ति नहीं है। लेफ्ट साइड में एक रोड है, आप उधर अगर वॉकिंग करके जाना चाहते हैं तो आप चप्पल पहन के भी आराम से जा सकते हैं। मंदिर की मेन एंट्रेंस में चप्पल रखने की फैसिलिटी। इधर गंगा माँ का अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेगा हर जगह पे। जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तब वो सारे रिश्तेदार को इधर बुलाते हैं और जो बलि चढ़ाते हैं उसको इधर प्रसाद के रूप में बनाकर खा के घर को जाते हैं, वो घर को लेके नहीं जाते। इधर का यही रूल्स है। इधर जो लोग आते ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे अमीर लोग हैं, फिर भी बलि चढ़ाते हैं। लेकिन मैं किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना नहीं चाहती, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। बोए का मतलब कुआं है, वेल, कुंडा मतलब हिल है, पहाड़ मतलब पहाड़ के पास जो कुआं है, कुआं के पास जो गंगा माँ रहते हैं, इसलिए उस जगह का नाम बोए कुंडा गंगा माँ है। अगर आपकी फ्यूचर जानना है, आपके फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका ड्रीम जो वो पूरा होगा नहीं होगा, या कुछ काम है जो होगा या नहीं होगा ये जानना है, तो आइए आप बैकुंडा गंगा माँ। आप उधर 300 रुपये दे के दूसरा टिकट करेंगे वो फूल चढ़ाने के लिए। माँ के सर के ऊपर वो फूल चढ़ा दे, अगर राइट साइड में गिरेगा फूल नीचे तो आपका काम हो जाएगा, लेफ्ट में गिरेगा तो काम होगा नहीं। अगर बीचे बीचे नीचे गिरेगा तो आपका आधा काम होगा और आधा नहीं होगा। आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो 50 रुपये देके भी दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो अति शीघ्र दर्शन के लिए आप 100 रुपये टिकट करके जा सकते हैं। देखिए यहाँ आप 5 रुपये देके अपना मोबाइल कैमरा आप सबमिट करके जा सकते हैं। आपको यहाँ तक कैमरा अलाउड है, उसके बाद माता का जो मेन मंदिर स्टार्ट है, इधर चेकिंग होता है, अंदर नहीं छोड़ेंगे आपको आपके कैमरा को। आप इधर बहुत सारे सामान है परचेस भी कर सकते हैं। इधर फ्री में नारियल फोड़ सकते हैं, आप देंगे नारियल तो वो फोड़ के आपको दे देंगे। इधर नारियल फोड़ा जाता है। माँ को दिया हुआ साड़ी वापस ले लिया, माँ ने ले लिया उसका जा। जो तुम बात चैनल में स्वागत है। आज हम बैकुंडा गंगा माँ आए हैं, ये चित्तूर जिले में हैं। सालों भर लोग इधर आते हैं, तो गंगा में बहुत पावरफुल है। इधर एक सच्ची कहानी है। कहता के पति पत्नी थे, वो पति मन्नत मांगे थे, मन्नत पूरी हो जाएगी तो माँ को पप्पी साड़ी चढ़ाएंगे। जब मन्नत पूरी हो गई तो उनकी फिर पप्पी साड़ी लेके आए थे, लेकिन उनकी पत्नी बोली इतना कष्ट साड़ी क्यों देना, वो साड़ी मुझे चाहिए, आप कम कष्ट का साड़ी दे दीजिए। लेकिन उनके पति बोले नहीं, हम माँ के लिए लेके आए हैं, हम उन्हीं को देंगे, तुम्हें सेम साड़ी खरीद कर दे देंगे। लेकिन उसकी उनकी पत्नी जो थी वो जीत पकड़ के बैठ गई, हमको वही साड़ी चाहिए। वह समझाने के बाद उसका पति उसको लेके आए। जब माँ को साड़ी चढ़ा दी, माँ को साड़ी चढ़ाने के बाद जब वापस आए तो उनकी पत्नी के मूड खराब था, क्योंकि वो साड़ी उसको चाहिए था। फिर 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, ऊपर किसी को छोड़ते नहीं है। मैं जब पहुँच गई, उनके पत्नी
गुस्सा करके बैठ गई, मुझे वही साड़ी चाहिए, आप जाके लेके आ जाओ। उसके बाद उसके पति वो साड़ी लेने के लिए वापस आए, सारे लोग उसको मना कर रहे थे, रात होने वाला है ऊपर मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना, वो वापस आया साड़ी लेने के लिए। जब आके देखा बहुत लेट हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया उसका पति, उसका पत्नी को डर लगने लगा। उसके बाद वो वापस आए, आने के बाद देखा तो वो जो साड़ी लेके आए थे उसका पति, वो साड़ी माँ ने पहना हुआ है, और उसका पति का जो सर है वो माँ के हाथ में है, उसका पति मर चुका था। ये इधर का सच्ची कहानी। इधर लोग मन्नत पूरी करने के लिए बहुत सारी बलि चढ़ाते हैं, इधर बकरी पे अपना अपना संस्कार है, मेंटालिटी है। कोई कोई सोचता है हम नारियल चढ़ाने से हमारा मन्नत पूरी हो जाएगा, कोई कोई सोचता है दूसरे का जान लेने से हमारा मन्नत पूरी हो जाएगा, हम किसी की भक्ति को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। लेकिन इधर जिधर भी देखे आप, आपको मटन की स्मेल आएगा, क्योंकि सारे लोग इधर बलि चढ़ाते हैं, इधर माँ के पास आके बलि चढ़ाते हैं। अच्छे लगे